चलिए फटाफट से पहले लैब को पहुंचा कर आते हैं, फिर मैं आप लोग से बातें करती हूँ और बहुत सारा काम भी है, तो आप लोग के साथ जितना। तो ये देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो को दिखाऊंगी मैं कि कहाँ जा रही हूँ और क्या दिखाने वाली हूँ आप लोग को। मूंगफली कैसे है? देखिए तो यही ना खाते हो। रुको ना लव, तो यहाँ कैंटीन में रेट लिखा हुआ है सब चीज का, किसका क्या रेट है। बाथरूम का, क्लीनिंग का भी सामान मिल जाएगा। इधर आटा है सारा कंपनी का, तेल वाल। तो यहाँ पे सारा टॉफी वगैरह है, चिलगम मिसम है, चुकोस, चिप्स शॉर्ट। तो अच्छा अच्छा है। और ये मिल्की बार है, 5 रुपये का होगा। और ये टॉफी है 10 रुपये का, देखो। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ भी, और काफ़ी सामान है, आप लोग को जो चाहिए वो सामान मिल जाएगा। देखिए यहाँ तक कि मैं अचार उचार, नहीं बताते 89। ये देखिए आप लोग को ले चल रहे हैं अपार्टमेंट में, ले लाए यही अपार्टमेंट में। हाँ, तो यहाँ पे यही रूम है और ये वाला, तो यहाँ ताला खुल रहा है। देखिए मेन, देखिए मेन गेट है, मेन गेट से आपको एंट्री करा रहे हैं। तो ये आगे का है, फर्स्ट जो ये हॉल है, बगल में ही लिफ्ट है, और ये हॉल है, और ये हॉल से ही यहाँ पे, हॉल से ही इसमें एक बाथरूम ये वाला है, और एक है ये साइड में, आप लोग को दिखा रहे हैं। जलाते हैं क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ काम हो रहा था इसीलिए थोड़ा सा वो है। तो ये आगे ऊपर का ये फ्लोर है, मतलब किचन वाला जो होता है,
और इधर ये बेसिंग है, यहाँ देखिए गड्ढा वाला बेसिंग भी अच्छा है। और ये शीशा है, बोर्ड वोड भी दिया हुआ है देखिए, जैसे कुछ मिक्सी वगैरह जो भी रखना होता है। काम अभी चालू है थोड़ा, तो इसीलिए सब गंदा गंदा है। और आगे इस रूम में या एक रूम में ये वाला है, तो ये भी रूम अच्छा है। और यहाँ पे ऐसे इसमें दिया हुआ है, और ये देखिए ये रूम है। और यहाँ वो जो कबर्ड बनाने वाला है उसका स्पेस छोड़ा हुआ है, तो वो लगाएंगे। और फिलहाल ऐसे है, तो यहाँ से ये बाथरूम है जो कि काफ़ी बड़ा है। और बाथरूम में ही यहाँ पे बेसिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ ये है। तो इसका मेरे यहाँ कोई यूज नहीं है, तो इसको बंद करके ही रखना है। बाथरूम है ये वाला, आराम से इसमें धोना है। तो ये देखिए ये है दूसरा वाला बाथरूम। और अटैच बाथरूम दिखाई, उसी में से एक बालकनी भी है जो कि अच्छा है काफ़ी है जैसे रखने के। यहाँ पे देखिए नल उल लगा हुआ है, पूरा गिट्टी बालू हो रखा है। तो यहाँ देखिए इतना बड़ा गैलरी एक है, जो कि अभी बहुत गंदा धूरी है नीचे, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो उधर यहाँ एक रूम यह है, जो कि इसका भी वो यहाँ पे बोर्ड उड दिया हुआ है, और यहाँ पे कबर्ड के लिए बनाया हुआ है जो कि काफ़ी चौड़ा है, बनेगा तो काफ़ी चौड़ा होगा। और लाइट उट लगा हुआ है, और एक खिड़की है जो कि जाली भी लगा हुआ है, मच्छर उच्छर ना आए अगर खिड़की खुला भी है शीशा, तो इसलिए एक बालकनी है। तो एक बालकनी यह है देखिए, जो भी काफ़ी लंबा है, थोड़ा पतला ही है लेकिन लंबा काफ़ी है। तो ये देखिए वहाँ पे भी नल लगाना है, जो कि बोले हैं कि हम लगा देंगे। और तो अभी सब काम चल रहा है ऊपर में, इसलिए थोड़ा सा गंदा है। आज हम कील भी एक दो तीन 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 कील लगाया हुआ है, अभी कील लगा हुआ कि जो घटल बढ़ल जो भी मतलब बाकी है, तो इसको अभी यहाँ पे वो जो गार्ड साहब हैं उनकी शायद रखते हैं बिस्तर, फिर ले जाते हैं, तो उनका रखा हुआ है। और ये है, तो यहाँ पे अभी चिमनी अधिक। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा देखने गए थे एक जगह, बुलाए थे पहचान के थे तो ज़मीन दिखाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। और मैं ज़्यादा शूट नहीं वहाँ पे कर पाई, क्योंकि चलिए दिखाती हूँ आप लोग को। तो पहले ले चलूँगी आप लोग को दिखाने के लिए वही ज़मीन, और उसके बाद फिर देख बताइएगा कि कैसा है। ज़्यादा नहीं शूट कर पाई क्योंकि अनजान आदमी भी रहे, थोड़ा सा ठीक नहीं लग। लोग ज़मीन देखने भी गए थे, और वो दिखाए थे जान पहचान के हैं, वही दिखाए थे। तो ज़मीन तो अच्छा है, और तो उधर ही गए थे देख उख कर आए। और साथ में इधर मैं थोड़ा सा वर्किंग भी मतलब थोड़ा सा तो देखिए पूजा पाठ हो गया है, बाबू स्कूल गया है साइकिल लगा के। ये क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। ये देखिए किचन में काम कर रही है, उसके बाद पूरा घर सजाना है जैसे हो गया है, पूजा पाठ करके कल का फास्टिंग कर रही है। अभी घर में बहुत सारा काम है, पूरा घर से सेट करना है, कपड़ा उपड़ा भी जो धोए है उसको नहीं डाले। तो यहाँ मैं पालक तोड़ के रखी हूँ, इसका समय में भंजिया बनाऊंगी। और कढ़ाई पे रखी हूँ थोड़ा चिप्स छानने के लिए, तेल डाल दी हूँ तो उसको अभी थोड़ा बर्तन धो के, उधर दूध रखा हुआ है जो कि मैं अभी नहीं खौलाई हूँ, तो उसको गर्म करूँगी। पहले बर्तन धो के कर लेती हूँ क्योंकि गैस पे थोड़ा का साफ़ करना है, तो साफ़ करके उसके बाद दूध चढ़ाऊँगी, एकदम चिप्स छान के रख दूँगी। और इधर बस मटर रखा हुआ, उसी में थोड़ा सा अंगूर था उसको भी रख दी, बाबू को लंच में दे दी और उसी में डाल दी थी। तो बस सब बढ़िया है, तो बस हो गया, फटाफट से काम करती हूँ, फिर घर सरी आना है बहुत सारा।
यहाँ बर्तन बासन धोवल हो गया और जो भी अधिकतर काम हो गया, तो थोड़ा घर बस बहुत फैला हुआ है और ये इनका जो जितना कपड़ा वर्दी उर्दी धोए थे वो सब, तो मैं एक जगह करके इनका जो बैग है, ड्रेस वगैरह है वर्दी, तो ये सब इनका बैग में ही करके रख दूँगी। जितना इनका टोपी उपी जितना बेल्ट उल्ट है, और ये आराम फरमा रहे हैं आराम से, बोल कि मैं थोड़ा हेल्प कर दूँगा लेकिन जब सर आइएगा तब। तो यहाँ मैं पूरा फैला हुआ जल दिखाते हैं, ये सारा को मुझे सेट करना है। तो पूरा कपड़ा बिना तह लगाया हुआ है जो ऐसे रखा हुआ है, और इधर ये थोड़ा सा लेटे हुए हैं क्योंकि सुबह में ही चले गए थे ड्यूटी और आए हैं 11 बजे। यहाँ पेटी है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो सब उस रूम में को मैं सेट करना है। यहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दी और एकदम चिप्स में फटाफट से केतली में पानी रख दी हूँ। हाय कर दिया प्रिया। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं ब्यूटी पार्लर में, और यहाँ बहुत सुंदर है अंदर से, और जो ये हैं ये भी बहुत अच्छी हैं जो बना रही थी दीदी। तो नेहा अभी बनाने के लिए बैठी, मैं प्रियांश को थोड़ा सा इधर देख रही थी और वो मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, बार बार एक जगह नहीं बैठता है, थोड़ा उछल कूद करता है। तो मैं उसको थोड़ा सा फिर मोबाइल दी, तब थोड़ा सा बैठा। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे ये अच्छा म्यूजिक बजा ले थे लेकिन वो थोड़ा सा शोर और भी गाड़ी का आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही थी। और वो एब्रो नेहा का बन रहा था और फिर उसके बाद मेरा नंबर था, फिर मेरा बनता, तो बस नेहा का हो गया। तो फिर मैं बनाऊंगी और बहुत अच्छी से बनाई, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा एब्रो का नंबर आ गया तो मेरा एब्रो बन रहा है, मैं नेहा से बातें भी कर रही थी और मेरा रिएक्शन होने के बाद मैं वीडियो नहीं, एब्रो नहीं बनवा रही थी सॉरी। तो ये बहुत अच्छा से बनाए, इतना आराम से बनाए कि बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यहाँ प्रियांश मस्ती कर रहा है तो बहुत अच्छा लगा। तो एब्रो फाइनली आज ढेर सारा शॉपिंग किए ना नेहा, खूब घूमे फिरी से प्रियांश को लेके, तो बहुत सारा शॉपिंग किए, दिखाएंगे नहीं अभी। हाँ, मेरा यहाँ का वीडियो मेरा लव बना रहा था और उसके पापा उस रूम में खाना खा रहे थे, तो लव बोला कि लाइए मम्मी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो मैं कपड़ा सरिया रही थी तो बोल भी रहा था, तो बोला कि मम्मी बनाता हूँ मैं वीडियो, तो वही बना रहा था दिखा रहा था। तो मैं बोली कि लाओ तेरा मुड़ी में दर्द हो जाएगा ऊपर कहले कहले। तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा है, तो सारा को सेट कर दी उसके, फिर देखिए सारा सेट कर दी। बस ये सारा है जो कि मैं एक जगह रख दी हूँ पलंग में बॉक्स में डालने के लिए, और ये पूरा मेरा कपड़ा है। उधर साइड में मैं इनका टी शर्ट और जीन्स रख दी हूँ कि उनको आराम रहेगा लेकर पहनने में, तो अभी फ़िलहाल वहीं पे उनका सेट कर दी, बाकी पूरा मेरा है। और बस आगे जी, और मैं थक गई आज काम करते करते क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज, और क्या कि जो कि मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और रेक उक भी पूरा सरियाई हूँ, कपड़ा भी पूरा सरिया एंड, चले दिखाती हूँ आप लोग को। ये जो मैं बक्सा उस रूम में रख दी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ फिर बक्सा सेट कर दी हूँ साइड में। और ये जो ढका हुआ है तौली से, तो ये पूरा रखने वाला है बॉक्स में जो कि मैं आज शाम को वो रखूँगी। और ई पर जो ओढ़ते हैं कम्बल उसको साइड करके रख दी हूँ। इधर पूरा सरिया दी हूँ, ये साइड में इनका कपड़ा है और इस साइड पूरा मेरा है। और ये बेडशीट वेडशीट बिछा दिए हैं, और रेक ऊपर भी जितना बेडशीट था वो भी सब रख दिए हैं। तो ये रेक ऊपर से ये अभी होमवर्क करेगा, और मैं आप लोग को कुछ सामान दिखाऊंगी जो कि मैं लाई हूँ, तो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि क्या लाए हैं। जो बहुत सारा मतलब चूड़ी अब आ गया सिर्फ पंचमी, तो मैं देखिए ये वाला पहनी थी लेकिन पानी में हो के टूट गया, एगो बच्चा, तो अभी मैं पहनूंगी इसको। तो ये संदीप का डब्बा है और ये 2-6 का है, तो 2-6 का मेरा नहीं है, ये नेहा का है जो कि दोनों साथ में ही गए थे और थ्रेडिंग कराने। यहाँ देखिए तो आईब्रो बनाई कुछ काफ़ी समय बाद, और ये प्लेन चूड़ी लेकर आए हैं उसको गोल्डन कड़ा पर पहनने के लिए, तो गोल्डन कड़ा पर प्लेन चूड़ी अच्छा लगता है।
तो मैं अपने लिए भी वही एकदम सेम है, साइज के खाली अंतर है, मेरा बड़ा साइज है, उसको छोटा साइज है नेहा का। तो उनका सब दोनों का एक ही जगह पैक हुआ है, तो एक ही जगह मैं एजी लेके आ गई थी, मैं बोली कि बाद में ला के दे दूंगी। और ये एक बहुत सुंदर है, तो मेरे पास ऐसा है तो नेहा लेकर आई है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, गोल्डन कलर का है, मैं आप लोग को खोल कर दिखाती हूँ, देखिए। तो कोई भी जैसे गोल्डन पे पहन लीजिए, जैसे साड़ी हो सूट हो सब पे, खाली इसको पहन लीजिए क्योंकि कांच का है तो भी अच्छा लगेगा, चार चार पीस पहनिएगा तो भी अच्छा लगेगा, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये नेहा का है, और एक ये है, ये मेटल है, ये देखिए पिंक कलर का, रानी कलर का है मेटल, तो ये भी सुंदर लग रहा है एकदम महीन महीन सा, ये देखिए ये पूरा है। तो ये मेटल है, और तो एक जगह इसको करनी है कहीं कहीं, और भी कुछ है, ये बिंदी है ब्लैक कलर का, और ये बिंदी ली हूँ पूरा, मतलब सब कलर का रहता तो सही रहता, मैचिंग करके लगा लीजिए, तो इसलिए ये वाला लिए है। और ये ब्लैक वाला नेहा का है, और ये दो कड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए ये भी एकदम सेम है, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, तो ये नेहा का है और ये मेरा है, तो एकदम सेम ही है दोनों, सिर्फ खाली अंतर है इसका साइज का, और काफ़ी सुंदर है, मतलब एक एक पहन लीजिए तो कड़ा एकदम ऐसे, देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो ये लेकर आई हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है, तो इसको लेकर आई हूँ, और ये पीला चूड़ी लाई हूँ, तो चूड़ी तो मैं अभी कड़ा लगा कर पहनती हूँ, तो आप लोग के साथ दिखाऊंगी, और ये चूड़ी या कड़ा लाई हूँ, और फेविक की लेकर आई, तो बस ये सब सामान था, और मेरा कम था, नेहा का ही ज़्यादा था, उसको कड़ा उड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मेरे पास चूड़ी ही बहुत कम है, तो चूड़ी जो पहनती हूँ ऐसे टूट टूट जाता है, जैसे देखिए ये बढ़िया वाला चूड़ी है, और इसमें पानी पड़ा तो ये कबाड़ के गिर जाता है, और ये इसका मुंह खुल जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है, देखिए कोई कह नहीं सकता कि ये चूड़ी है दोनों, तो ये कबाड़ पूरा निकल जाता है इसका। तो बस यही सब सामान था जो कि मैं ले कर आ रही हूँ, और अभी गोल्डन वाला मैं कड़ा के साथ पहनती हूँ, तो आप लोग को दिखा, तो यहाँ पे हम ये गोल्डन वाला जरूर पहनते हैं इस कड़ा को, क्योंकि ऐसे अच्छा लगेगा गोल्डन पे, थोड़ा सा ऐसे ऊंचा हो रहा है, तो ऐसे इसको पहन लेते हैं, पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, और गोल्डन पर रेड पहनते तो ज़्यादा ठीक लगता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसी पर पहन लेती हूँ, फिर अभी पीला चूड़ी पहनना चाहिए, तो अभी ऐसे सेट करके पहन लेती हूँ, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। ये पतला वाला मेटल है, तो इस पर ही अभी डालते हैं, और फिर देखूँगी तो दूसरा चूड़ी चेंज करूँगी, तो उस पर तो अभी चर्चा पहन ली हूँ, और इन लोग को मैं दिखाती हूँ कि इन लोग का क्या स्थिति है। तो खाना पीना हो गया है, और ये देखिए, ये देखिए एक गो यहाँ मोबाइल देख रहे हैं, और एक गो की ये देखिए कितना नींद आता है, जो ये देखिए, अरे क्या कर, तो बस सोना है, बस सोना है, यहाँ इस तरह से पूरा काम है, और बाहर में थोड़ा हवा चल रहा है, और यहाँ कपड़ा उपड़ा भी डाला हुआ है, मसाला भी सूख गया है। चलिए यहीं पे वीडियो करती हूँ मैं, तो राधे राधे, प्रणाम सभी को, बाय बाय, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ, और बाय बाय।